जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। रेलवे एएलपी टेक्नीशियन, पावर ग्रिड और जितने भी पीएसयूज हैं, अपकमिंग ढेर सारी वैकेंसीज हैं। और सबसे पहले तो रेलवे एएलपी के बारे में सबको पता है कि ये वैकेंसी आपका 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में कभी भी दे सकता है, ऐसी एक संभावना है। और अगर चाहेगी तो कि पहले अभी जो वर्तमान वैकेंसी चल रही है एएलपी ग्रुप डी और एनटीपीसी, इसको पूरा करने के बाद दें तो मे भी कि थोड़ा सा विलंब हो सकता है। लेकिन स्पेशली ये वीडियो अभी हम बनाए हैं, इसमें अभी एक थंबनेल लगाए हैं, आप इस पर ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड और इलेक्ट्रिकल ग्रुप में जितने भी अलग अलग ट्रेड हैं उससे रिलेटेड एक रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक का मतलब हुआ कि एक बेसिक बुक, या यूं कहिए कि ये जो बुक हमारे हाथ में है आप देख रहे हैं कि ये दो वॉल्यूम में इलेक्ट्रिकल ग्रुप के लिए इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, वाइंडर और इससे रिलेटेड कुछ डिप्लोमा या बीटेक वाले स्टूडेंट भी जो एएलपी का तैयारी करें, आगे एग्जाम जिनको देना है उसके लिए भी 100% उपयोगी होगा। रेफरेंस बुक का मतलब है कि थोड़ी मोटी बुक है और इसमें हर टॉपिक, जितने भी टॉपिक्स आपके हो सकते हैं पूरे के पूरे टॉपिक को इसमें इंक्लूड कर दिया गया, इसलिए दो वॉल्यूम में आया हुआ है। आगे चल करके हमारा उद्देश्य है कि अलग से भी इलेक्ट्रिशियन का अलग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का अलग, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का अलग, वायरमैन का अलग, वो बुक भी हमारी आएगी। लेकिन चूंकि अभी आपके पास बेसिक लेवल से तैयारी करने का पर्याप्त समय है, इसलिए आप रेफरेंस बुक से पढ़ें, बेसिक बुक से पढ़ें, तो क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं बिल्कुल ही नगण्य रहेगी, बिल्कुल ही कम रहेगी। क्योंकि ये बुक थोड़ी मोटी जरूर है लेकिन ये बिल्कुल फाउंडेशन लेवल की बुक है। आप मार्केट में जहां भी बुक स्टॉल में जाइएगा ये बुक उपलब्ध रहेगी। पहले आप इसको उलट पलट करके देख लीजिएगा, जैसे ही आप पलट करके देखिएगा आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी इसके कंटेंट को देखने के बाद कि हमारा क्वेश्चन कितना तक इससे पकड़ में आएगा, ओवरऑल क्वेश्चन पकड़ में आएगा कि नहीं। और ये अभी जो वॉल्यूम 2 इसका आया हुआ है, वॉल्यूम 2 के लास्ट में हम पूरा ट्रेड बाय ट्रेड भी, इलेक्ट्रिकल ग्रुप के जितने भी अलग अलग ट्रेड हैं पूरा का डिटेल सिलेबस भी हम निर्धारित कर दिए हैं, डिटेल सिलेबस आपको दिखा दिए हैं, उससे भी आपको ज्ञात हो जाएगा कि कौन कौन सा टॉपिक पर हमको विशेष ध्यान देने की जरूरत है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने की जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज है कि इंजीनियर आशीष सर और इंजीनियर संजय सर दोनों एमटेक किए हुए सर हैं और इनका इस क्षेत्र में हमको लगता है कि कम से कम 10 से 15 साल का, 15 साल प्लस का ही एक अपना अनुभव है जो लगातार बच्चों से शेयर करते रहे हैं, लगातार एएलपी टेक्नीशियन या अन्य एग्जाम्स की तैयारी कराते आ रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा अनुभव सर, आइए इंजीनियर आशीष सर, तो पूरा का पूरा अनुभव अपना इसमें पिरो दिए हैं और हमको पूरा भरोसा है कि जितना भी इसमें सर मटेरियल दे पाए हैं, दिए हैं, ये आपको एएलपी टेक्नीशियन या अन्य जो भी आप वैकेंसी भरेंगे 100% सफिशियंट होगा, आपको ट्रेड के लिए नहीं सोचना पड़ेगा। बाकी सर अभी हमारे साथ हैं, हम चाहते हैं कि चूंकि 4-5 स्लाइड में इसमें आखिर इस बुक में है क्या, तो इसके बारे में सर पूरा डिटेल आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए धन्यवाद सर, इंजीनियर आशीष सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों निश्चित रूप से अभी हमारे हाथ में भी ये दोनों वॉल्यूम है, ये आपकी वॉल्यूम 1 है और ये वॉल्यूम 2 है, ठीक है। और वॉल्यूम 1 के पीछे वॉल्यूम 2 का कंटेंट दिया है और वॉल्यूम 2 के पीछे साथियों वॉल्यूम 1 का कंटेंट दिया है। जैसे ही आप बुक को लेते हैं सबसे पहले तो आपको इम्पोर्टेंट फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। तो इस लेकर के हम यहाँ पर आते हैं कि इन दोनों वॉल्यूम में आखिर है क्या क्या। तो ये किताब तो सर ने जैसा बताया इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, वाइंडर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक सभी छात्रों के लिए उपयोगी है। और एएलपी का सिलेबस जो होता है वो बिल्कुल इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा और बीटेक को पढ़ना होता है। इसलिए करके साथियों इन दोनों छात्रों को भी यही सिलेबस है, उनको भी ये पढ़ना है। आखिर ये किताब जो दो वॉल्यूम में आई है इसमें 40 चैप्टर हैं साथियों। ये 40 चैप्टर वैसे चैप्टर हैं अगर आप आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से, वायरमैन से, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से, वाइंडर से करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से करते हैं तो वहां के फर्स्ट और सेकेंड ईयर के सिलेबस को भी आपको यह बहुत मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा रहेगा, उस समय भी आपको बहुत मदद मिलेगी। साथ ही साथ एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी, एचएससी जो हायर सेकेंडरी 10+2 से करकर जिन्होंने टेक्नीशियन का फॉर्म भरना है वैसे साथियों के लिए भी ये बुक बहुत ही कामगार है। उन्हें भी इलेक्ट्रीशियन के अंदर ही
एग्जाम देना है साथियों, मेट्रो में, इसरो में, अभी यूपीपीसीएल में, साथ ही साथ डीआरडीओ में, सेल में, गेल में, फेल में, जितनी भी पीएसयू है, अभी एमपी आईटीआई के लिए वैकेंसी आई है, ठीक है, साथ ही साथ आपका यूपी मेट्रो की वैकेंसी आई है, बीएसपीएससीएल में, हमारे जितने भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, डिफेंस है, आईटीआई इंस्ट्रक्टर का एग्जाम है, सीआईटीएस है, ये सारी तरह के परीक्षाओं के लिए ये एक ऐसी रेफरेंस बुक है जिसकी मदद से आप अपने पूरे बेसिक कंसेप्ट को मजबूत कर सकते हैं। और इस किताब की मदद से लगभग दोनों मिलाकर 5-5, 10,000 क्वेश्चन है साथियों, इसमें भी 5,000 क्वेश्चंस और इस बुक में भी आपके क्या है 5,000 क्वेश्चंस हैं, टोटल 10,000 यहां पर एमसीक्यूज हैं, उसके आंसर्स हैं, और एक एक करके सभी में आपको क्या है साथियों तो एक्सप्लेनेशन भी किया गया है, खास करके वैसे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का जो कंसेप्ट के साथ डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या क्या मिलेगा, तो दोनों बुक में आपको 10-10, 20,000 इंपोर्टेंट फैक्ट्स मिलेंगे वन लाइनर अप्रोच के साथ, दोनों बुक में 5-5, 10,000 आपको क्या मिलेंगे क्वेश्चंस मिलेंगे साथियों, टॉपिक वाइज आपको अध्ययन सामग्री है, अति विशिष्ट परीक्षाओं के लिए डायरेक्ट परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का संग्रह है, साथ ही साथ सभी परीक्षाओं में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए उसका भी कलेक्शन किया गया है। इतना ही नहीं, आपको साहब अलग अलग जितने भी तकनीकी शब्द हैं सबका अंग्रेजी में संक्षेप दिया गया है, और आपको फॉर्मूले का कलेक्शन है, यूनिट्स का कलेक्शन है, और साथ ही साथ आपके सिलेबस भी यहां पर क्या है मेंशन है। तो साथियों वॉल्यूम वन में हमारे 20 चैप्टर्स, और वॉल्यूम टू में क्या है वहां भी 20 चैप्टर्स। आइए हम देखते हैं वॉल्यूम वन में क्या क्या है, तो वॉल्यूम वन में है ट्रेड का परिचय, इलेक्ट्रीशियन हैंड टूल, आधारभूत ज्ञान इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिकल मटेरियल, अंडरग्राउंड केबल, सोल्डिंग एंड ब्रेजिंग, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, कैपेसिटर, अल्टरनेटिंग करंट, फिर आपकी पॉलीफेज इलेक्ट्रिक सिस्टम, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, फिर आपका ट्रांसफार्मर, फिर थ्री फेज इंडक्शन मोटर, देन फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर यानी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, फिर आपकी अल्टरनेटर, सिंक्रोनस मोटर, कन्वर्टर, उसके बाद डीसी एंड एसी मशीन, आर्मेचर वाइंडिंग। ये टोटल 20 चैप्टर्स यहां पर हैं, मशीन के साथ बेसिक इलेक्ट्रिकल, ये टोटल यहां पर है, यहां से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों सभी परीक्षाओं में। खास करके आइए डीसी जनरेटर वॉल्यूम 2 में है, फिर आपका डीसी मोटर है, इलेक्ट्रिक ड्राइव है, केमिकल सेल एंड बैटरी है, इल्यूमिनेशन है, अर्थिंग है, कॉमन इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, इंडस्ट्रियल वायरिंग है, फ्यूज रिले एवं परिपथ वियोजक है साहब, सर्किट ब्रेकर है, कंट्रोल पैनल एवं सहायक सामग्री है, फिर आपका पावर जनरेशन है, शक्ति वितरण एवं संचरण है, फिर आपका अर्धचालक एवं डायोड है, लॉजिक गेट है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर और फील इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, ऑसिलेटर इंटीग्रेटेड सर्किट है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आपकी हाई पावर स्विचिंग डिवाइसेस है, और लास्ट में इलेक्ट्रिकल सिंबल है साथियों। सभी के साथ क्वेश्चन का कलेक्शन, सारे सारे चैप्टर्स में जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं टोटल का एकत्रित कलेक्शन, इंपॉर्टेंट यूनिट्स का कलेक्शन, मतलब अल्टीमेटली ये बुक आपके हर इच्छाओं को पूरा करेगी, दैट मींस आपके हर रिक्वायरमेंट पे खड़ी उतरेगी साथियों। मुझे तो विश्वास है ये आपके लिए वरदान साबित होगी अगर आप कॉन्स्टेंट स्टडी लाइन बाय लाइन पढ़ने वाली ये बुक है। अगर एक एक लाइन को आप मार्क करके पढ़ते हैं तो आप यकीन मानिए इस देश की कोई ऐसी एग्जामिनेशन नहीं है जो आपसे छूट जाएगी, आपका चयन पक्का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन का सबसे सच्चा साथी क्या है साथियों पुस्तक है। अगर पुस्तक अच्छी हो, रेफरेंस बुक अच्छी हो, तो हमारे चयन की पूरी संभावना बनती है। जब कहीं भी किसी भी कंसेप्ट में आप उलझेंगे, कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन होगा, निसंदेह ये दोनों किताबें जो है आपकी भरपूर मदद करेगी। तो मैं निश्चित रूप से आपको आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ इस पुस्तक के लिए आपको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सभी लोग इस किताब को पढ़ें और अपने जीवन में सक्सेस प्राप्त करें और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन को करें। देखिए पढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, आपको कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट समझने के बाद आपको एक एक लाइन यहाँ किताब से पढ़नी है, किताब से पढ़ने के बाद फिर आपको उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाने हैं, जो स्मरणीय तथ्य है उसे आपको रिवाइज करना है, ठीक है, और सारे फॉर्मूले को आपको कंठाग्र कर लेना है। अगर इतना काम आप कर लेते हैं और उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो आपके सिलेक्शन में दो राय नहीं है कि उसमें कोई रोक सकता है। तो साथियों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और आप ये किताबें भारत के सभी स्टोर्स पर उपलब्ध हैं, साथ ही साथ अमेज़न फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध है, वहां से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।